बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री श्री नकुल दुबे जी, श्री अरुण द्विवेदी जी, यहाँ पर उपस्थित श्री गोविंद पाल जी, दुल्लम पाल जी, संतोष पाल जी, भागीरथ पाल जी, श्री माया पाल जी, श्री बाबूलाल पाल जी, श्री राजकुमार पाल जी, श्री विश्वनाथ पाल जी, श्री राम सेवक पाल जी, श्री ओम प्रकाश पाल जी, श्री कैलाश पाल जी, श्री प्रेम पाल जी तथा यहाँ पर सभी उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं पाल समाज के लोग, आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं, तो पाल समाज जो है, जो पहले से ही बहुजन समाज पार्टी का अंग अभिन्न अंग रहा है और हमेशा साथ में जुड़ा रहा है, आज आपके अंदर जो स्फूर्ति हमने देखी है, जो आपकी इच्छा देखी है, जो आपका एक आपने निर्णय लिया है और संकल्प ले रहे हैं कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी को हम लोग पूरी बहुमत के साथ में सरकार बनाने का काम दोबारा करेंगे, इसके लिए इससे हमारा बहुत बहुत उत्साह बढ़ने का काम। और ये निश्चित है, और ये निश्चित है कि आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि पाल समाज को बहुजन समाज पार्टी में टिकट दिया जाए या उनको स्थान दिया जाए, क्योंकि ये कार तो बहन हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी स्वयं करती रहती हैं और पाल समाज को उन्होंने कभी भी पीछे नहीं छोड़ा, उन्होंने पाल समाज को हमेशा आगे, जहाँ जहाँ पर भी पाल समाज की ज़रूरत पड़ी, मजबूती दिखी और जहाँ पर भी वो उनको अपनी टिकट के उसमें ला करके उनको लड़ाने का काम कर सकती थी, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, चाहे वो बाई इलेक्शन हो वहाँ पर भी उन्होंने पाल समाज के व्यक्ति को लड़ाने का काम किया और हम लोगों को भेजने का काम भी किया। हम स्वयं गए थे मीटिंगों में और हमने भी आह्वान किया था, लेकिन बाई इलेक्शन जो होता है वो सभी को मालूम है, ये सरकारी इलेक्शन होता है, पर अब की बार आम चुनाव है और ये आम चुनाव आपके लिए जीवन मरण का आम चुनाव है। अगर इसमें अगर आप लोग ज़रा सा भी बहक गए और ज़रा सा इधर उधर बहकावे में आ गए तो ये समझ लीजिए कि आपका भविष्य, जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अंधकार की तरफ ढकेलने का काम किया है, इस पूर्ण रूप से अंधकार में चला जाएगा और आने वाली जो आपकी पुश्ते हैं, जो आपके बच्चे हैं और लोग हैं, वो लोग जो हैं आगे चल करके किसी और को नहीं कोसने का काम करेंगे, आप लोगों को कोसेंगे कि आप लोगों को जब सही वक्त था तब आप चुपचाप बैठे रहे और अपने अपने बारे में सोचने का काम किया, आपने सर्व समाज के लिए और आपके खास तौर से पाल समाज के बारे में सोचने का काम नहीं किया। इसलिए आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस तरीके से आतंकवाद चल रहा है, जिस तरह से लोगों को दहशत का माहौल बना करके प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों की रोटी रोजी छीनी गई है और लोगों को सड़क पे आने के लिए मोहताज कर दिया गया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौजवान साथी हो जिनको बेरोजगार कर दिया गया, यहाँ की संपत्ति बेच करके हर चीज़ को ठेके में देने का काम किया गया, नौकरियाँ सरकारी ख़त्म कर दी गई, जो भी सरकारी नौकरी में एक व्यक्ति रिटायर होता है उस नौकरी को दोबारा भरने का काम नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ पर सरकारी नौकरी मिलती थी, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, जिला परिषद हो या PWD हो या कोई और भी जगह हो, जहाँ पर UP राजकीय निर्माण निगम हो, जहाँ जहाँ भी नौकरियाँ मिल सकती थी उन नौकरियों को ख़त्म करके और वहाँ की नौकरी देने की पद्धति ही ख़त्म कर दी और वहाँ पर क्या कहा कि ठेकेदारी में काम होगा और ठेकेदार नौकरी देगा। तो ऐसी सरकार जिसकी की सोच, वो रिजर्वेशन की बात तो छोड़िए, जब नौकरी ही ख़त्म हो जाएगी तो रिजर्वेशन किस बात की रहेगा, रिजर्वेशन कहाँ रहेगा। ये सरकार जो है, चाहे मेडिकल की बात हो, कोरोना में जिस तरह से लोग मरे हैं वो किसी से छुपा नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से, अस्पतालों की कमी से, वहाँ पर डॉक्टरों की कमी से,
और जिस तरह से अव्यवस्था इन्होंने करी वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन ये अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, ये धोखे में रखते हैं दुनिया को और आपको भी और प्रदेश को भी। ये बड़े बड़े विज्ञापन छाप देंगे और 300 करोड़ रुपया हर महीना विज्ञापन पे खर्चा करते हैं सिर्फ इस बात के लिए, दिखाने के लिए कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मीडिया जो है इनके हाथों में रहता है, मीडिया के चूंकि विज्ञापन देने का काम करते हैं उनकी भी मजबूरी होती है। लेकिन जैसे अभी आपके हमसे पहले कपिल मिश्रा ने कहा आपसे कि मीडिया के भरोसा आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने व्हाट्सएप का भरोसा कर सकते हैं, सोशल मीडिया का भरोसा कर सकते हैं। सोशल मीडिया में जाइए और उस पे जा करके अपनी बातें रखने का काम करिए और ये सबको बताने का काम करिए कि एक बार बहन मायावती जी की सरकार जो थी जिसमें कानून व्यवस्था आज भी चाहे विरोधी हो चाहे कोई भी हो वो मानने का लोहा मानने का काम करते हैं, लेकिन इनके यहाँ कानून व्यवस्था का क्या हाल है। हर दो घंटे में एक महिला के साथ में दुराचार होता है, यही कानून व्यवस्था है हर दो घंटे में। और जिस तरीके से आज किसानों के ऊपर लाठियां चल रही हैं, किसानों की जमीन छीनी जा रही है, वो भी किसी से नहीं छिपा हुआ है। कहते हैं कि उनका सर फोड़ दो, इतनी लाठी मारो कि सर से खून निकलने लगे। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखिए और एक साथ एकजुट होकर के जो